क्या होती उतरन। आपके लिए तोहफा है, तपस्या के पापा आपके लिए लाए हैं। मेरी साइकिल? आपने इतनी अच्छी तरह पोएम रिसाइट की, उसके लिए तोहफा। सच? बैठो इच्छा, चला कर देखो। पर मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। सबसे पहले ये हाथ यहाँ रखिए। वेरी गुड, दूसरा हाथ वहाँ रखिए। गुड गर्ल, चले। पापा आपके लिए नई साइकिल नहीं लाए, इच्छा के लिए लेकर आए। बेटा अगर आपकी साइकिल टूट जाए तो तब तो पापा आपके लिए नई साइकिल लाकर देंगी। बाकी तो राम ही रखे। देखना अच्छा, हमारे पास भी नई साइकिल होगी, तुमसे भी अच्छी। बिल्कुल नहीं। माँ पापा कब आएंगे? बस आने वाले होंगे। क्यों, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या पापा से? नहीं। अरे ये क्या,
तपस्या? माँ, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रही है तो हमें ये फॉर्म दिया है, आपको यहाँ साइन करना है और 1500 रुपीस भी देना है। अच्छा, तभी आप इतनी बेचैन हो रही है। पापा को बताना है पिकनिक के बारे में। पापा, पापा आज हम ना साइकिल चला रहे थे और हमारी साइकिल टूट गई। आप हमें नई साइकिल दिलाएंगे ना? तपस्या, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं पापा, साइकिल गिर गई थी और टूट गई। साइकिल टूटी नहीं है, साइकिल तोड़ी है हमने। नहीं पापा, हम सच कह रहे हैं, साइकिल अपने आप टूट गई। तपस्या, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कह। आइए बताइए, इसी से आपने अपनी साइकिल तोड़ी थी ना? आपको अपनी चीजों की कदर नहीं है क्योंकि आपको नई साइकिल चाहिए थी, आपने अपनी पुरानी तोड़ दी। आप सिर्फ जिद करना जानती हैं। बस अब हम आपको और कुछ नहीं देंगे। बहुत बड़ी गलती की आपने तपस्या, और इसकी सजा मिलेगी आपको। अब आपके पास ना तो पुरानी साइकिल है और ना ही नई मिलेगी। आपने अभी आप भी हमें ना देंगी है ना? हमें कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं, हमें कोई नहीं समझता। ये क्या दिव्या, एक साइकिल के लिए तूने और जोगी ने तपस्या का दिल दुखाया। सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी मौसी जी, फिर भी तपस्या ने ये सब किया। किसी बात का दुख है हमें, इस बदलाव से हमें तो बहुत डर लगने लगा है। टप्पू नहीं बदली है, तुम दोनों बदल रहे हो। अपनी बेटी से कोई इस तरह बात करता है? मौसी जी, बच्चों से इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि कमियां नजर ही ना आए। लेकिन आप ये क्या समझेंगे, हम अपनी बेटी को पुष्कर जैसा नहीं बनाना चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें कभी भी अपनी औलाद की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। बॉल हमें वापस दो। हमने कहा हमारी बॉल हमें वापस दो।
हमसे हमारी बॉल भी छीन लोगी? किसी भी चीज को हाथ लगाया तो देख लेना। पप्पू, तू मेरे से नाराज क्यों रहती है? मेरे से कोई गलती हुई है? नहीं, गलती हमसे हुई है और हम अपनी गलती सुधार लेंगे। देखिए, हम तपस्या को फिर समझाएंगे। बच्ची है वो अभी, आप शांत हो जाइए। इतना जहर भर गया तपस्या के मन में। ये ठीक नहीं है दिव्या, हमारी बेटी इतनी स्वार्थी हो गई है कि इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन। देखिए, बच्चों में ये सब स्वाभाविक है। मौसी जी भी जब हमें कुछ देती थी ना, तो भाई हमसे लड़ पड़ते थे। नहीं दिव्या, ये बहन भाई के बीच की ईर्ष्या नहीं है, इच्छा की दोस्त है। तपस्या इच्छा के सब कुछ करती थी। आपको याद है उसने हमें कैसे मनाया था जब वो इच्छा को हवेली में रखना चाहती? अब वही तपस्या इतनी बदल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इच्छा को थोड़ा सा प्यार देते? नहीं दिव्या, हमें तपस्या को समझाना होगा, उसे समझना होगा। इच्छा उसकी दोस्त है, अगर वो उसके साथ कुछ बांट नहीं पाएगी तो जिंदगी भर वो किसी से कुछ नहीं बांट पाएगी। देखिए, मेरी गलती तपस्या की तो नहीं है ना? कल तक तो वही हमारी आंख का तारा थी। देखिए, हम जानते हैं कि हमने दामिनी और इच्छा को क्यों अपनाया है, लेकिन हमारी बेटी तो नहीं जानती ना। उसे तो बस इतना नजर आता है कि उसके पापा इच्छा का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो क्या करें हम दिव्या, जब भी हम इच्छा को देखते हैं तो याद आता है कि हमने उसके सर से पिता का साया छीना है। उसके पिता को वापस लौटा तो नहीं सकते, कम से कम पिता का प्यार तो दे सकते हैं। सुनिए, एक साइकिल की तो बात है, जब ईर्ष्या की वजह ही नहीं रहेगी तो क्या झगड़ा होगा? दीजिए ना तपस्या को एक साइकिल। बात सिर्फ साइकिल की नहीं है दिव्या, तपू। पापा, आप रोज सुबह तो पापा ही आपको उठाते है कि नहीं? चलिए हमारे साथ। कहाँ? आइए, हम आपको बाद में बताते हैं। आइए आइए आइए, चलिए करिए, चलिए 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 चलिए। ये रही आपकी नई साइकिल। पापा, ये साइकिल हमारे लिए है। थैंक यू पापा, आई लव यू। अब थैंक यू क्या कह रहे हैं, देखिए अभी साइकिल को। तो बच्चा, माँ और इच्छा को भी थैंक यू बोलिएगा, उनके कहने पर हम ये साइकिल आए हैं आपके लिए। उन्हें लगता है आप नाराज हैं, तो हमने कहा साइकिल क्या चीज है, हम अपनी बेटी के लिए चांद तारे तक तोड़ कर ला सकते हैं। चलिए, अब आपकी और इच्छा की ग्रेस हो जाए साइकिल पे। ऑलराइट,
जो भी रेस जीतेगा उसे सुंदर सी गुड़िया मिलेगी। पापा देखना हम ही जीतेंगे। Are you ready, Tapasya? Yes, Papa. That's the spirit. Are you ready, Cha? Yes, Pa. भगवान करे ये चुहिया हार जाए और हमारी टप्पू बिटिया जीत जाए। अच्छा हम वहां जाके आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे सीटी बजाएंगे रेस शुरू, जो पहले वहां आ गया वो जीत गया। ऑलराइट। बहादुर बच्चे ना, नहीं रोते आप। बस 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 बस, हाँ कुछ नहीं हुआ। आप बहादुर हैं कि नहीं, हाँ मुस्कुराइए। बस नहीं रोते। बच्चे हंसते खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सुबह अपनी साइकिल देख के तपस्या कितनी खुश हो गई थी ना। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, दूसरे के पास जो है उन्हें वही चाहिए होता है, और वो भी अभी। तुम देखना थोड़े दिनों में दोनों एक ही साइकिल के साथ खेलती नजर आएंगी। कल हमने ही तपस्या के पापा से कहा था, तपस्या एक साइकिल के लिए रूठ गई है तो उसे भी ला दीजिए। दोनों बच्चों में तनाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और तभी इच्छा आई। कह रही थी कि हमें तो साइकिल चलानी नहीं आती, आप हमारी साइकिल तपस्या को दे दीजिए। तपस्या साइकिल चलाएगी और हम उसके पीछे भाग भाग के चलाना सीख जाएंगे। तब तपस्या के पापा ने कहा कि वो तपस्या को भी नई साइकिल ला देंगे और फिर दोनों साथ साथ खेलेंगे। बस भगवान करे तपस्या और इच्छा की दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। टप्पू तो बहुत खुश होगी ना, उसे प्राइज मिला जैसे मैं खुश थी जब मुझे स्कूल में प्राइज मिला था। अब टप्पू बहुत खुश होगी ना, हम पहले जैसे साथ खेलेंगे, स्कूल जाएंगे साथ और पढ़ाई करेंगे और बस एक दूसरे की चित्र बनाएंगे। और अब टप्पू मेरे से नाराज भी नहीं होगी ना।